बुलंदशहर की गांव गंगागढ़ का युवक मुकेश अफगानिस्तान की बदतर हालत के चलते काफी सहमा और डरा हुआ है। बुलंदशहर की थाना पेहासू के गांव गंगागढ़ निवासी मुकेश बघेल का परिवार इस समय काफी सहमा हुआ है। 3 से 4 दिन से अफगानिस्तान की बिगड़ती हालत के कारण वहां की राजधानी काबुल में फंसे मुकेश ने वीडियो भेजकर प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित भारत वापस लेने की गुहार लगाई है। गंगागढ़ निवासी मुकेश 6 महीने पहले अच्छी कमाई की उम्मीद लेकर अफगानिस्तान गया था, लेकिन सरकार के तख्ते पलट के कारण वहां की हालत बद से बदतर हो गए। अफगानिस्तान में फंसे युवक के घर दहशत का माहौल है। पत्नी शीला और 4 मासूम बच्चे मुकेश की सलामती को लेकर खासी दफलत में है। पत्नी का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, केवल पति की सही सलामत वापसी। शीला और मासूम बच्चों ने प्रधानमंत्री से मुकेश की सकुशल वापसी की अपील की है। बुलंदशहर की गाँव गंगागढ़ का युवक मुकेश अफगानिस्तान की बदतर हालत के चलते काफी सहमा और डरा हुआ है। बुलंदशहर की थाना पेहासू के गांव गंगागढ़ निवासी मुकेश बघेल का परिवार इस समय काफी सहमा हुआ है। 3 से 4 दिन से अफगानिस्तान की बिगड़ती हालत के कारण वहां की राजधानी काबुल में फंसे मुकेश ने वीडियो भेजकर प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षित भारत वापस लेने की गुहार लगाई है। गंगागढ़ निवासी मुकेश 6 महीने पहले अच्छी कमाई की उम्मीद लेकर अफगानिस्तान गया था, लेकिन सरकार के तख्ते पलट के कारण वहां की हालत बद से बदतर हो गए। अफगानिस्तान में फंसे युवक के घर दहशत का माहौल है। पत्नी शीला और 4 मासूम बच्चे मुकेश की सलामती को लेकर खासी दफलत में है। पत्नी का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, केवल पति की सही सलामत वापसी। शीला और मासूम बच्चों ने प्रधानमंत्री से मुकेश की सकुशल वापसी की अपील की है। हम बुलंदशहर से हैं और इस समय हम अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इसी कंपनी में हम भारत सरकार से दरखास्त करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी जल्दी से हमको यहाँ से निकाला जाए। हम यहाँ बहुत दिक्कत में, यहाँ बहुत बमबारी हो रही है। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी से हमें बाहर नहीं जा रहा और हमारा पासपोर्ट भी कंपनी के अंडर में है। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा कुमार। ये बताइए आपके फादर का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? मुकेश कुमार खरद का काम करते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में फंस गए? तो कब आपके अपने पापा से बात हुई थी? आज सुबह। सुबह क्या कह रहे थे आपके पापा? वो यूँ कह रहे थे कि मालिक घर बात नहीं करने दे रहा और पासपोर्ट वीजा भी उसने धर लिया है, वो आने नहीं दे रहा। यूँ कह रहा है कि जब तक मील चालू नहीं होगी जब तक नहीं आएंगे। अच्छा, फिलहाल वहाँ आप लोग मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा सही सलामत इंडिया आ जाएं और योगी जी से, मोदी जी से यही गुजारिश है।